अंकलेश्वर पानोली इंडस्ट्रियल में फ्री कूल ओवरसीज कंपनी में कर्मचारी पगार बाबते हड़ताल पर उतरी गया था। पगार बाबते कर्मचारी लांबा समय से हड़ताल पर रहा था। कंपनी मैनेजमेंट द्वारा वारंवार वचन मुजब पगार न चूकवाता कर्मचारी में असंतोष जोवा मळ्यो हतो। कंपनी मालिक अने कॉन्ट्राक्टर विरुद्ध सूत्रोच्चार करवामां आव्या हता। जो कर्मचारी ने पगार नहीं मळे तो कोर्ट में जवानी धमकी आपी हती। कर्मचारी आंदोलन ने कारण पगार मुद्दे मैनेजमेंट हजू कोई सुधी कोई निर्णय लीधो नथी। तो कंपनी में कर्मचारी हड़ताल पर उतरिया छे। अंकलेश्वर पानोली इंडस्ट्रियल में फ्री कूल ओवरसीज कंपनी कर्मचारी पगार ने मामले हड़ताल पर उतरी गया छे। कर्मचारी लांबा समय थी पगार मामले लड़त चलावी रहा था। कंपनी मैनेजमेंट द्वारा वारंवार वचन मुजब पगार न चूकवाता कर्मचारी में असंतोष जोवा मळ्यो छे। कंपनी द्वारा अने कॉन्ट्राक्टर विरुद्ध सूत्रोच्चार करवामां आव्या हता। हजी सुधी आ मामले मैनेजमेंट द्वारा कोई निर्णय लई शकायो नथी। जो आप सभी लोगों के सामने सारे वर्कर खड़े हुए हैं, सर लगभग आज सभी लोगों को 8 वर्ष 10 वर्ष 6 वर्ष सभी लोगों को हो गया है और अटिंडा में अचानक कंपनी हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि कंपनी बंद कर रहा हूं, आप लोग बाहर चले जाइए। और इसके उपरांत वर्करों ने अपना सुझाव दिया कि भाई जो सिस्टम है सिस्टम के दायरे से चलिए, तो मानने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से बोला जा रहा है ना तो हमारे हिसाब के लिए तैयार है और ना किसी के पास है इतना पैसा है कि वो अपने घर जा सके। और सवाल करने पे ये लोग यही सीधा बोलता है कि आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए। अब आप लोग ये डिसीजन लीजिए कि इसमें करना क्या है। हमारा डिसीजन जो है हम लेबर कोर्ट तक भी जाने के लिए इच्छुक हैं कि अगर जो भी हमारी जितने भी वर्कर कर रहे हैं इनका जो भी बचा हुआ हिसाब है उनको दिया जाए, फुल एंड फाइनल किया जाए। और यहाँ पे डेली एक में एक स्कीम बनती है, राजनीति जैसा कारनामा होता है, हमको बताया जाता है, डराया भी जाता है, साथ में ऐसा ऐसा हमारे साथ व्यवहार करते हैं। लमसम 200 वर्कर हैं सर। जी सर सैलरी तो अभी चालू महीने का अपने एक चालू महीने का बाकी है, प्लस ये जो अपना हिसाब है इन्होंने हमसे शेड से जो यहाँ के स्टाफ मैनेजमेंट वाले हैं उन्होंने हमसे कहा कि आपको 8 तारीख को पेमेंट प्ले किया जाएगा, 25 तारीख को फुल एंड फाइनल किया जाएगा। 8 तारीख को ना तो लिखित लिया भी हमसे, पुलिस भी आई उनके सामने सारी बात हुई। जब 8 तारीख आया तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। हमने 8 तक वेट किया, 9 तक भी वेट करने के लिए तैयार, लेकिन इनका कोई डिसीजन ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये लोग आते हैं बोलते हैं चलो हो जाएगा, चलो हो जाएगा, आज होगा कल होगा, इसी में बात फंसा के रखे।